नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, दिनांक 28 सितंबर 2023 का दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? मित्रों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे कन्या राशि के विशेषज्ञ आचार्य श्री एनके शास्त्री जी द्वारा आपको मित्रों आपका सटीक राशि फल जानने को मिलेगा। तो अगर आप मित्रों गुरु जी को सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों 3 बार जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो आइए मित्रों, आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना सुनते हैं हमारे परम पूज्य आचार्य श्री एनके शास्त्री जी को। चलिए मित्रों, अगले 24 घंटों में काफी सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे रहेगी। एक काम खत्म होगा और दूसरा काम तुरंत आ जाएगा दोस्तों, लेकिन हार मत मानो। हार मान लोगे तो फिर दोस्तों कोई मतलब नहीं रह जाएगा जीवन का, जो हो वहीं पर रह जाओगे। लेकिन हार मत मानना, हार मानने की बजाय उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करना, इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी समस्या को आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा परिस्थितियों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा सा स्वार्थीपन लाना भी जरूरी है। देखिए, खुद का अगर विकास करना है तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा लालचीपन, स्वार्थीपन लाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा दूसरों की ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा आप दूसरों का सोचते हैं, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, मैं ऐसा करूँगा तो उसका दिल ना दुख जाए, मैं उसको मना नहीं कर सकता, मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों, हम आपका व्यक्तित्व अच्छे से जानते हैं, हम सालों से आपकी राशि पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसके चलते एक बात तो पक्की है कि आप दिल के बहुत ही सच्चे, बहुत ही नर्म रहे। आप खुद भूखे रह जाओगे, लेकिन कभी किसी और को भूखा नहीं रहने दोगे। आपके पास एक रोटी पड़ी है और आपको तेज भूख लग रही है, लेकिन सामने से एक बच्ची आती है, वो बोलती है कि अंकल आंटी मुझे भूख लग रही है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, तो आप वह रोटी उसको दे दोगे, लेकिन आप भूखे रह लोगे। तो दोस्तों, बस यही है, आपकी अच्छाई भी है दोस्तों और आपका थोड़ा सा बुराई भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्वार्थीपन नहीं है। आप दोस्तों लोगों के लिए ही जीते हैं और आप अपने परिवार के लिए सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन यह कभी कभी आपको जीवन में बहुत बड़ा दोस्तों दर्द भी देता है। और आपको अभी जीवन में दर्द मिल रहा है तो इसी कारण मिल रहा है, क्योंकि आप स्वार्थी नहीं हो। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपने परिवार वालों को भी देख सकते हैं, वो आगे इसीलिए है, आपके दोस्त आपसे आगे इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा स्वार्थीपन है। वो पहले अपना सोचते हैं, उसके बाद में दूसरों का सोचते हैं। अगर थोड़ा सा भी स्वार्थीपन आ जाएगा तो आप विकास आसानी से कर लोगे। दोस्तों, ध्यान से सुनो कि आपको अपनी योग्यता को पहचानना है, अपनी योग्यता पर विश्वास करना है कि मैं, हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, हाँ मैं ये काम कर लूँगा। खुद पर विश्वास रखो, किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, इस बात का ध्यान रखना, वरना आपके फायदे के लिए आपका नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लगाइए, थोड़ा सा समय भगवान के भजन कीर्तन में भी लगाइए, क्योंकि जब आप भगवान से जुड़ोगे, जब आप अध्यात्म अपनाओगे, तब आपके जीवन में एक नयापन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप मंदिर जाते होंगे तो आप में भी एक अलग ही अनुभूति होती है, क्योंकि भले ही दोस्तों जो सबसे घर का मुखिया होता है उसको क्या रहता है कि उसको किसी का साथ नहीं रहता है, क्योंकि वह घर का मुखिया होता है, उसको ही सब कुछ करना होता है। देखिए, एक बाप को पता है कि उसको ही सब कुछ करना है, उसको अपनी पत्नी का, उसको अपने बच्चे बच्चे का, उसको अपने बड़े बूढ़े माँ बाप का पेट भरना है,
उसको किसी का साथ नहीं मिलता, लेकिन उसको एक भरोसा किसका होता है? भगवान का। उसको भी जरूरत होती है कि उसके पास भी कोई ऐसा हो जिससे वह अपने दुख दर्द बांट सके, तो वो होते हैं भगवान। वह मंदिर जाता है और वह उनको बोलता है कि आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो। उनकी वजह से ही उसमें हिम्मत आती है दोस्तों। तो इसलिए भगवान की शरण ही सबसे बड़ी शरण है दोस्तों। जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे तब आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, कोई शक्ति है जो सब कुछ संभाल रही है। अक्सर आपको भी हुआ होगा कि अचानक आपके जीवन में बहुत मुसीबतें आ रही है, बहुत कुछ तकलीफें आ रही है, लेकिन अचानक से ही कहीं एक रास्ता दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि अरे भगवान ही है, जो भी है, कोई छत्र छाया मेरे ऊपर है, वही मेरे को हमेशा तारता है। तो वो होती है हमारे भगवान की छत्र छाया। देखिए, ध्यान से सुनिए, किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा, क्योंकि आज आपको चूना लग सकता है, कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए मन में स्वार्थीपन होना जरूरी है। वहीं दोस्तों, पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर बड़ी लड़ाई हो सकती है, इसलिए पति पत्नी खासा ध्यान रखिएगा। पति पत्नी ध्यान रखिएगा, मधुरतापूर्ण व्यवहार करें एक दूसरे से, छोटी छोटी बातों को दोस्तों तुल ना दे, छोटी छोटी बातों को तुल देने से बचिएगा। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में ना पड़े और अपना समय व्यर्थ ना करें। वहीं घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी, क्योंकि यह समय आपको उनकी देखभाल अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नशे से जुड़े हुए हैं, जो नशा छोड़ ही नहीं रहे हैं, नशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन नशा बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। नशा जो होता है वो घर के सुख, घर की समृद्धि को खा जाता है। देखिए, नशा कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। इसलिए इस नशे को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यह नशा जिस जिस व्यक्ति ने करा है, उस व्यक्ति का पूरा परिवार अक्सर दोस्तों रोड पर आया है, आज नहीं तो कल। देखिए, बड़े बड़े परिवारों में भी देख लीजिए, बड़े बड़े घरानों में भी देख लीजिए, जो व्यक्ति नशे का ज़्यादा आदि हो जाता है, उसका चाहे कितना भी वो रईस हो, कितना भी वह खानदानी अमीर हो, उसको एक समय आने पर दोस्तों सब कुछ मटियामलित हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यह स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है उसके ऊपर बजरंग बली बहुत क्रोधित होते हैं, शनिदेव क्रोधित होते हैं, उनके राहु केतु भारी होते हैं। इसलिए नशे से हमेशा दूर रहे, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है वह खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए उस बम की तरह है जो बारूद से भरा हुआ होता है और एक समय आने पर अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को ले डूबता है। देखिए, आपको दूरदृष्टि रखनी चाहिए, यानी कि आपको दूरदृष्टि यानी कि कल का नहीं बल्कि आने वाले साल तक का सोचना है। सोच विचार करके ही फैसले करिएगा, निर्णय करिएगा, लेकिन सही निर्णय लेना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आसान रहेगा। संयम से बातों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जल्दीबाजी मत करिएगा, थोड़ा सा संयम रखिएगा दोस्तों। लोगों से आपको कोई प्रशंसा भी मिल सकती है, क्योंकि इन दिनों कुछ अच्छा काम आप करोगे जिससे लोग आपके वाहवाही भी कर सकते हैं, जिसके कारण आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, साथ में आप अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, आपको बस आज ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी के साथ किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो, वरना कई दिनों तक आपका दिमाग केवल इन्हीं चीज़ों में उलझा रह जाएगा। व्यापार नौकरी की बात करें तो बहुत ही शानदार दिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्यापार नौकरी में दोस्तों आप जो बीज डालोगे उतना और उससे भी अच्छा फल आपको मिलेगा, यानी कि जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा। नौकरी में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत आपकी प्रशंसा ही करवाएगी दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। जाते जाते दोस्तों एक बात कहेंगे कि आज की वीडियो को छोड़ना मत, आज की वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, यहाँ तक आए हो तो वीडियो को पूरी देख लेना,
क्योंकि वीडियो छोड़ोगे तो काफ़ी नुकसान आपका हो सकता है, इसलिए वीडियो छोड़ने की भूल मत करना। देखिए, हमारे गुरुजी कहते हैं कि क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु क्रोध आने पर शांत रहने के लिए अत्यधिक सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो क्या आप शांत बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं, आप चिल्ला उठेंगे। लेकिन अगर आप क्रोध में शांत रहेंगे तो यूं समझ लीजिए आपने अपने ऊपर, अपने मन पर विजय पा ली है। अगर कोई गलत करे तो बुरा मत कहो, जिसने मुझे जो दिया आप उसे उतना ही दुगना दीजिए। बस भगवान से इतना कह दो कि हे भगवान, जिसने मुझे जो दिया आप उसे उतना ही दुगना दीजिए। तो अगर किसी ने आपको बहुत परेशान किया होगा तो उसको और परेशानी मिलेगी। अगर किसी ने आपको बहुत दोस्तों सुख दिया है, बहुत खुशियाँ दी हैं, तो उसको और खुशियाँ मिलेगी। तो भगवान से यही प्रार्थना करते रहो। देखिए, आजकल के जो रिश्ते हैं सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज़्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। बोलो राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। देखिए, दुख है, दर्द है, इसीलिए मंदिर है, इसीलिए भगवान है। तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय सिया राम।